दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों खराब प्रदर्शन और आलोचकों से परेशान विराट कोहली ने अपने करियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, विराट कोहली का फैसला सुनकर उनके प्रशंसकों की आंखें नम हो जाएंगी। आखिर गुस्से में आकर विराट ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है महान खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 और टेस्ट में फ्लॉप होने वाले विराट कोहली का बल्ला वनडे में भी बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। जी हां, विराट ने टेस्ट मुकाबलों की दोनों पारियों में जहां एक ओवर 11 और 20 रन बनाए, तो वहीं T20 मुकाबले में जहां दूसरे चीजों के मुकाबले में एक रन बनाए थे, तो वहीं आखिरी मुकाबले में केवल 11 रन बनाए। और फिर ये सबका मानना है कि शायद विराट एक दिवसीय मुकाबलों में वापसी कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों पहले मुकाबले में बाहर रहने वाले कोहली जब दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने 3 चौके लगाकर इंटेंट दिखाया कि 25 गेंदों में 16 रन बनाने वाले विराट अच्छी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन डेविड विली की गेंद पर कोहली उसी अंदाज में आउट हुए जैसे वो पहले भी आउट हुआ करते थे। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद एक बार फिर से विराट कोहली के बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर जॉश बटलर के हाथों में समा गई और इस तरीके से कोहली के संघर्ष का अंत हो गया। आपको बता दें कि पिछले 75 पारियों में विराट ने एक भी शतक नहीं जड़ा है और उनका एवरेज 36.89 का रहा है। दोस्तों जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे उस वक्त टीम इंडिया काफी मुश्किलों में थी, क्योंकि टीम इंडिया के जल्दी जल्दी 3 विकेट गिर गए थे और विराट के चाहने वालों को यही उम्मीद थी कि शायद कोहली आज टीम इंडिया को मुश्किलों से निकालते हुए अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, एक और मुकाबले में उनके बल्ले ने धोखा दिया और विराट आउट होकर बेहद निराश होते हुए पवेलियन लौटे। जिस तरीके से कोहली की इस वक्त खराब फॉर्म चल रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपनी फॉर्म पूरी तरीके से खो चुके हैं। विराट के अंदर अब वो पहले वाली बात नहीं रही और लगातार फ्लॉप होने के बाद विराट जल्दी अपने करियर में बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि वो संन्यास की भी घोषणा कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोहली के अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में जगह ले सकते हैं और विराट युवाओं के लिए बड़ी महानता दिखाते हुए ऐसा कर सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेकर उन्हें कप्तानी दी थी। हालांकि दोस्तों अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि विराट आगे अपने करियर को किस तरीके से देखते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अचानक से टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी, ऐसे में वो कभी भी अपने करियर को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी को इस वक्त संन्यास लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कड़ी मेहनत करके वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आना चाहिए और अपने आलोचकों को करारा जवाब देना चाहिए? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।